हेलो फ्रेंड्स, अज आप कुछ ग्राफिक्स के प्रोग्राम देखते हैं भी सी दे विच आपां ग्राफिक्स के प्रोग्राम किवें करते हैं। ठीक है, जिवें ये इग्जाम्पल करांगे, जिवें क्लॉक बनाईए एक स्टूडेंट दे तुषार ने, आपां ये भी डिस्कस करांगे। सब तो पहला आपां बेसिक्स से जाइए, जो अपने ग्राफिक्स है, जो ग्राफिक्स है ग्राफिक्स डॉट एच हैडर फाइल है सी ते सी प्लस प्लस दे विच, जिहदे नाल आपां ग्राफिक्स के फंक्शन यूज कर सकते हैं। जो फंक्शन है सी सी प्लस प्लस के ग्राफिक्स के फंक्शन है ग्राफिक्स डॉट एच के बने हुए हैं। ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग इन सी यूज टू ड्रॉ वेरियस शेप्स लाइक रेक्टेंगल, सर्कल, एक्लिप्स, आर्क ड्रॉ करना है। ठीक है, प्लस ऐसे ही कुछ शेप्स कलर कोई यूज करना है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर का स्टाइल चेंज करना है, फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है, वो सारे अपने ग्राफिक्स डॉट एच के काफ़ी फंक्शन है, उन्होंने यूज करके आप करेंगे। अज आप उसके कल के बेसिक देखते हैं स्टार्टिंग किमें करना है। जो फस्ट प्रोग्राम है जिमें ग्राफिक्स का, आप कहेंगे पहले ही आप फाइल इनकलूड की ग्राफिक्स डॉट एच, एस टी डी आई ओ कॉनियो डॉट एच, वॉयड मेन या इनिट मेन, इनिट जी ड्राइवर इज इक्वल टू डिटेक्ट कॉमा जी बोर्ड। ठीक है, इसकी थ्योरी आप अगर देखते हैं, क्लीयर स्क्रीन, इनिट ग्राफ, जी ड्राइवर जी बोर्ड, यही है जी ड्राइवर जी बोर्ड, बेसिकली टीजर वेरिएबल्स है, सी टर्बो सी थ्री स्लैश बी जी आई, ये पाथ है जिथे साड़ी सी इंस्टॉल है, बी जी आई फोल्डर का पाथ। दैन लाइन फंक्शन है अपना लाइन ड्रॉ करने के लिए, एक्स कोआर्डीनेट, वाई कोआर्डीनेट, एक्स टू वाई टू लाइन ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, चार कोआर्डीनेट्स की जरूरत है, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, गैट सी एच, दैन क्लोज ग्राफ। हूँ आप अगर आप इस कोड को देखिए, द फस्ट स्टैप इन एनी ग्राफिक्स प्रोग्राम इज टू इनकलूड ग्राफिक्स डॉट एच हैडर फाइल। ग्राफिक्स डॉट एच हैडर फाइल प्रोवाइड एक्सेस टू अ सिंपल ग्राफिक्स लाइब्रेरी दैट मेक इट पॉसिबल टू ड्रॉ लाइन्स, रेक्टेंगल, ओवल्स, आर्क्स, पॉलीगन्स, इमेजेस एंड स्ट्रिंग्स ऑन ए ग्राफिकल विंडो। ग्राफिक्स डॉट एच के भी फंक्शन है जिन्हों आप कुछ ग्राफिक्स दीज़ा ड्रॉ करेंगे। सैकेंड स्टैप इज टू इनिशियलाइज द ग्राफिक्स ड्राइवर ऑन द कंप्यूटर यूजिंग इनिट ग्राफ मैथड। इनिट ग्राफ मैथड है जिस दे नाल आप अपने कंप्यूटर के सी कंपाइलर के सी के आप ग्राफिक्स को इनिशियलाइज करते हैं। इनिट ग्राफ उसके जेडे अपने आर्गूमेंट पैरामीटर केड़े-केड़े है, इनिट इंटीजर टाइप का है, ग्राफिक्स ड्राइवर इंटीजर पॉइंटर, दैन ग्राफिक्स बोर्ड, दैन करैक्टर टाइप का ड्राइवर का पाथ भी कितने वो साडा ड्राइवर पिया है। इट इनिशियलाइज द ग्राफिक्स सिस्टम बाय लोडिंग द पास्ट ग्राफिक्स ड्राइवर दैन चेंजिंग द सिस्टम इन टू ग्राफिक्स बोर्ड। मतलब उस जो अपना सिस्टम डोस बोर्ड के चल रहा है उस अपने ग्राफिक्स आप यूज कर सकते हैं। ग्राफिक्स ड्राइवर जो पैरामीटर की गल की कि इट इज़ ए पॉइंटर टू एन इंटीजर स्पेसीफाई द ग्राफिक्स ड्राइवर टू बी यूज। इट टैल द कंपाइलर दैट वट ग्राफिक्स ड्राइवर टू यूज और टू ऑटोमैटिकली डिटेक्ट द ड्राइवर। ग्राफिक्स बोर्ड इट इज़ ए पॉइंटर टू एन इंटीजर दैट स्पेसीफाई द ग्राफिक्स बोर्ड टू बी यूज इफ जी ड्राइवर इज सैट टू डिटेक्ट दैन इनिट ग्राफ सैट्स जी बोर्ड टू द हाइएसट रेजोल्यूशन अवेलेबल फॉर डिटेक्टिड ड्राइवर। मीन जो स्क्रीन है उसकी कि रेजोल्यूशन करनी है वो डिटेक्ट करता है अपने आप। ड्राइवर पाथ इट स्पेसीफाइज द डायरेक्टरी पाथ वेयर ग्राफिक्स ड्राइवर फाइल्स बी जी आई फाइल्स आर लोकेटेड। ये सानू पता होना चाहिए भी साड़ी बी जी आई फाइल्स जो सी दी किस पाथ से अवेलेबल है या किस पाथ से पई है। अगर आप कोड की गल करिए, जो लाइन है लाइन के जिवें आप गल की चार पैरामीटर चाहिए सानू, एक्स वन एक्स टू वाई टू, दैन उसनू आप फंक्शन यूज करते हैं। कलर्स के लिए अपने को टोटल 16 कलर्स है, आप कैपिटल दे विच कलर का नेम भी लिख सकते हैं जां उसका कोड भी लिख सकते हैं। ये उसके कोड है, जीरो कोड है ब्लैक का, तो वाइट 15 कोड है वाइट का, 128 के नाल ब्लिंकिंग हो सकती है। ठीक है, बाकी कुछ कोड तुसी स्क्रीन पर देख सकते हैं केड़ा केड़ा कोड आप बैकग्राउंड लई जां फोरग्राउंड लई आप यूज कर सकते हैं। अगर आप कलर सैट करना है उसके लिए अपने को फंक्शन है सैट कलर ब्लू रैक्टेंगल दिस रैक्टेंगल दैन उसका एक्स कोआर्डीनेट वाई कोआर्डीनेट दैन उसका एक्स टू वाई टू। ठीक है, इस दे नाल जो रैक्टेंगल ड्रॉ होगा अपना किस कलर का होगा, अपना ब्लू कलर का होगा, किस दे नाल आपां यूज किया अपना सैट कलर दे दा। ठीक है, हुण आपां इस प्रोग्राम इन्हां प्रोग्राम्स नूं आपां एक्सीक्यूट करके देखते हैं पहला तो स्क्रीन पर भी किस किस दी प्रोग्राम दी की आउटपुट या किवें किवें आपां उसनूं यूज करना है।
सब तो पहला आप एक सिंपल प्रोग्राम बना दे ग्राफिक्स का। हुण कुछ प्रॉब्लम्स जो आप देखिए पहला हो सकता है, जिवें मेरे कंप्यूटर दे विच सी ड्राइव दे विच टीसी फोल्डर है, उस दे विच बीजीआई है। सपोज तुहाडा इत्थे कोई फोल्डर होर है, सपोज मैं कहां भी मैनू पता नहीं मेरे इत्थे डी लिखिया होया, ठीक है। मैं हुण प्रोग्राम इस नूं सेव करके जो रन कर रहे हैं आप, जो फर्स्ट प्रोग्राम है अपना, ठीक है, आप इस आउटपुट कोई आई नहीं। मैं फाइल के जाके डॉट शैल च देखा कि लिखा गया ग्राफिक्स डॉट इनिशियलाइज्ड, मतलब ग्राफिक्स साढ़े इनिशियलाइज नहीं हुए क्योंकि उसनों ग्राफिक्स मिले ही नहीं, क्योंकि डी ड्राइव से तो है नहीं। इसी तरीके तो ये प्रॉब्लम काफ़ी आ सकती है भी इतने सपोज असी एक चीज़ होर हो सकती है, एक स्लैश यूज किया अगर आप जो सिग्नल स्लैश है वो अपना एस्केप सीक्वेंसेस लिए भी आप यूज करते हैं, ठीक है। फिर जो आप रन करके देखे डॉट शेल च किया गया ग्राफिक्स डॉट इनिशियलाइज, दिस मीन्स ए इतने ज्यादा डबल स्लैश लगा लो अपने, ते यही जो पाथ है ये आप चेक करना है भी साडा पाथ की है, कितने साडा पाथ यही पिया, ठीक है। जो आप सी इंस्टॉल करेंगे उत्थे आपां नूं पता लग जूगा, जिवें हुण अपनी इह इक लाइन ड्रॉ होगी, सिंपल लाइन ड्रॉ होगी, ठीक है ना। उस दे कोआर्डीनेट है एक्स कोआर्डीनेट वाई कोआर्डीनेट, तुसीं जिवें जिवें इह चेंज करोगे उस दे अकॉर्डिंग उसकी आउटपुट चेंज हो जूगी, ठीक है। सिंपल आपां लिया होया, चाहे इसकी आपां जरूरत ही नहीं, आपां डायरैक्टली जो आर्गूमेंट है इस दे विच ही पास कर दिए। एक्स वन सपोज मेरा 200 है, X1 200, X2 200, 400 400, ठीक है, वो अपनी लाइट ड्रॉ होगी। देन एक चीज हो सकता है तुसी इत्थे पाथ ठीक दिता होवे पर फिर भी साड़ी ग्राफिक्स वाली फाइल ना चले, तो एक चीज होर चेक कर लेनी है, ऑप्शन दे विच जाके डायरेक्टरीज दे विच इंक्लूड डायरेक्टरी दे विच ये पाथ होना चाहिए जिथे अपनी इंस्टॉल है, सी टी सी इंक्लूड सी टी सी लाइब्रेरी, ये जरूर चेक करना। जे थोड़ी डी ड्राइव च है तो इतने डी ड्राइव आ जूगा, जे सी ड्राइव च है तो इतने सी ड्राइव आ जूगा। ये नाम भी देख लेना, कितने कितने टर्बो सी आ जाता है, कितने टर्बो टू आ जाता है, कितने टी सी आ जाता है, किसी कोई पर्टिकुलर फोल्डर दे विच हो सकता है। यही दो चीज़ा भी जरूर ध्यान देनी है भी डायरेक्टरी जी सैट होनी चाहिए किस दे विच है, ये अपनी है ऑप्शन दे विच जाके डायरेक्टरीज दे विच जाके आप यही दो पाथ देखने हैं जो सैट करते हैं। दैन थर्ड जो अपना इनिट ग्राफ वाला है, सेट कलर रेड, हुण जो लाइन है वो किस कलर की आ गई, रेड कलर की आ गई, ठीक है। सिमिलरली आप ग्रीन कलर करांगे, जो लाइन है वो किस दी होगी, अपनी ग्रीन कलर दी होगी। सिमिलरली कुछ होर एग्जांपल्स जिवें आप देखिए हट ड्रॉ करनी है, उसका कोड तुसी वैसे तो यह ट्राई अपने आप करनी है, ठीक है। भी रेक्टेंगल यूज किया होया, सेट कलर यूज किया होया अपना, फ्लड फिल है मतलब सारा कलर इको बार फिल कर देना, प्लस उसका स्टाइल की रखना है फ्लड फिल का, ये कोड तुसी इतों कॉपी करके ट्राई अपने आप करियो, उसकी जो आउटपुट देखोगे कुछ ऐसी आऊगी। सिमिलरली जेडे बेसिक फंक्शन है, जब फंक्शन की लिस्ट देखनी है उसका एक सिंपल वे भी है, लाइक ग्राफिक्स डॉट एच दे विच गए आप इतने एफ वन प्रेस कर दो, जो कंट्रोल एफ वन प्रेस कर दो, सीधे केड़ी ओपन हो जाएगी ग्राफिक्स डॉट एच दी अपनी हैडर फाइल ओपन होगी। इस दे विच कोई भी एग्जाम्पल्स है, सपोज आप सर्कल देखिए, सर्कल ते आए एंटर, सर्कल दी थ्योरी है, दैन आप एग्जाम्पल ते आके सर्कल दी एग्जाम्पल देखा, वो एग्जाम्पल पे ही है, आप इस तो कॉपी पेस्ट करके भी उसको रन करके देख सकते हैं, अगर आप उसको चेक कर रहा है भी किवें वर्क कर रहा है, ठीक है। डायरेक्टली इसको कॉपी करो अपने उसके एडिटर से, इसको चलाओ, बट एक चीज़ याद रखनी है इतने उसका पाथ जरूर देना जो आप दिता हुआ टी सी बी जी आई, तुम अपने कंप्यूटर के देखना भी वो सी ड्राइव के कितने इंस्टॉल है। जिमें मेरे कंप्यूटर के जे मैं गल करा
सी ड्राइव दे विच टीसी फोल्डर है, हो सकता है तुहाडा इत्थे टर्बो सी लिखिया होवे, टर्बो C3 लिखिया होवे, इस नूं ओपन करके ये चीज़ इतने फोल्डर पे होने चाहिए है। आपको बेसिकली जो BGI है ये पाथ चाहिए उसका, ठीक है। डबल स्लैश लगाना है, सिंगल स्लैश की जगह पर आप डबल स्लैश लगावे जो आप इनिट ग्राफ इनिशलाइज करनी है ग्राफिक्स। होपफुली थोड़ा क्लियर होया होना। एक एग्जाम्पल यह बना के देख रही है अज, ठीक है। तो बाकी इस एक्सप्लोर करो, होर छोटी छोटी एग्जाम्पल्स होर बनाओ, कार की ट्राई करो, कार किवें क्रिएट करनी है, दैन उसू मूव करना सीखा अपन अगलिया एग्जाम्पल्स के। थैंक यू। जो स्टूडेंट है तुषार, सैकेंड ईयर का स्टूडेंट है, बीटेक पंजाबी यूनिवर्सिटी के विच ही कर रहा है, उसने एक प्रोग्राम की आउटपुट शेयर की है, तो कोड शेयर किया है। होपफुली मैं इसको एक बार स्क्रोल कर दिता है सो दैट कि तुम देख सको।